कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी को रहमनी बहन की ओर से जोहार और मास्टर जी की तरफ से नमस्कार। तो यहाँ वक्त हो चला है कृषि समाचार का, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। महिलाएं मुर्गी पालन के लिए ले सकती हैं अनुदान का लाभ। नामकुम में बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। झींगे के बेहतर उत्पादन के लिए चुने स्वर्ण सावनी। अब समाचार विस्तार से। खासकर महिलाओं को मुर्गी पालन के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड पशुपालन विभाग की ओर से 400 ब्रॉयलर मुर्गियों की इकाई स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इकाई लागत 86,000 रुपए है, जिसमें चयनित महिला लाभुक को 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। लाभुक का चयन महिला लाभुक समिति के सदस्यों में से किया जाता है। नामकुम प्रखंड के तेतरी और कुटियातू गांव में बकरी पालन पर प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण नाबार्ड और इकाडी यानी एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साझा प्रयास से आयोजित किया गया है, जिसमें इन दिनों गांव के बकरी पालक बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। किसान भाई अनाज भंडारण करने से पहले उसे धूप में अच्छी तरह सुखा लें, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करें, टूटे हुए दाने खरपतवार अलग कर दें, पुष्ट और स्वस्थ दानों को अलग से भंडारण करें। किसान भाइयों, आप अपने घर में अनाज भंडारण कर रहे हैं तो कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान दें। अनाज के टूटे हुए दाने बहुत जल्द खराब होने लगते हैं, इसलिए इन्हें छांट कर अलग कर दें। अन्न भंडारण करने के पहले जो है खास के हम इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है कि फसल जो भी फसल है, अनाज है, उसको सुखाने के बाद जो है उसको ग्रेडिंग जरूर करें, क्योंकि अगर टूटा फूटा अनाज को हम अगर स्टोरेज करते हैं तो उसमें नमी अवशोषित जल्दी होता है और जल्दी नष्ट होते हैं। तो ग्रेडिंग में जो खरपतवार भी है उसे भी अलग कर दें और टूटे फूटे अनाज को अलग करके जो पुष्ट अच्छे दाने हैं उसी को भंडारित करें। राज्य के किसान अगर लत्तेदार सब्जी फसल झींगे की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से शानदार पैदावार के लिए ICAR प्लांडू केंद्र से विकसित उन्नत प्रभेद स्वर्ण सावरी का चयन करें। इसके उत्पादन क्षमता 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर है। झींगे की स्वर्ण सावरी किस्म जल्दी फलने फूलने वाली तथा वर्षा ऋतु में खेती के लिए उपयुक्त है। इस किस्म के फल की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 35 से 45 ग्राम होता है। इसकी औसत उपज 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर है। ये पाउडर मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू रोग की प्रतिरोधी किस्म है। कृषि कार्य को सुलभ और आसान बनाने के लिए नए नए तकनीक का इजाद किया जा रहा है। उसी में से एक है प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड। ये वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में सहायक एक ऐसा यंत्र है जिसके प्रयोग से इसके उत्पादन को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। सफल किसानों की श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने पुश्तैनी खेत में आधुनिक तरीके से खेती करके अपने इलाके में सबसे अच्छी उपज प्राप्त की है। किसान भाइयों, आइए मिलते हैं उस सफल किसान से जो पर्याप्त जमीन रहने के बावजूद पारंपरिक विधि से खेती करके अच्छी उपज प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे, लेकिन जब से इन्होंने आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक खेती करना शुरू किया तब से शानदार पैदावार हासिल कर रहे हैं। हम पहले फूल का खेती करते थे NHM के तहत, उसके जरिए हम राजस्थान गए ट्रेनिंग के लिए सब्जी खेती के लिए। वहाँ जाने के बाद हमको वहीं मिले दिनेश जी, उनसे प्रेरणा मिली कि ड्रिप लगाओ, मल्चिंग करो और खेती करो। उससे हमको पहले 50,000 का मुनाफा होता था एकड़ में, अब 2 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया का मुनाफा होता है हमको। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3650 रुपए, गेहूँ 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3600 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। तो किसान भाई बहनों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार सभी किसान भाइयों बहनों का फिर से स्वागत। तो मास्टर जी, आज आप हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सी नई जानकारी लेकर आए हैं? हाँ किसान भाई, अब तो धान के बिचड़े की तैयारी कर रहे हैं, तो धान के बिचड़े की तैयारी जो है उसके लिए खेत की तैयारी जरूरी है। तो खेत की तैयारी कैसे करें ये जानकारी दी जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभेद जो होता है धान का। मास्टर जी, मैं यहाँ आपको रुकूँ, ये प्रभेद का मतलब? प्रभेद मतलब तरह तरह के धान होते हैं, जो उससे सबसे उत्तम जो होता है धान, जिसे लगाने से ज़्यादा जो पैदावार हो, वैसे चीज़ का जो है आपको चुनना पड़ता है और उसको लगाना पड़ता है। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए बता दीजिए मास्टर जी हमारे किसान भाइयों को क्या करना है। बिल्कुल किसान भाई, आप तो जानते ही हैं कि भाई आपको हम लिए चलते हैं स्टूडियो, क्योंकि वहाँ पे हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। तो चलते हैं वहाँ और आपके मन में कोई भी सवाल है उसका जवाब आप हमारे विशेषज्ञ से ले चलते हैं। तो किसान भाइयों, उठाइए अपना फोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456519। तो चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद मास्टर जी और धन्यवाद रमनी जी। किसान भाइयों, आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार। और आपको पता ही है कि आज हमारे साथ डॉक्टर डीएन सिंह हैं, जो कि मुख्य वैज्ञानिक है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। आप हमारे साथ जुड़िए। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब किस तरह से खेत की तैयारी करें इस वक्त, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल का महीना में किसान भाई तैयारी शुरू कर देते हैं, तो खेत की तैयारी किस तरह से करें बिचड़े के लिए? ऐसा है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य में धान मुख्य फसल है और करीब 25 लाख हेक्टेयर में 18 लाख हेक्टेयर में केवल धान की ही खेती होती है। कहने का मतलब कि 70% रकबा जो है खरीफ के मौसम में केवल एक फसल के अंदर है, वो धान। और उसका मुख्य कारण ये है कि धान ही एक ऐसा फसल है जिसकी खेती जितनी भी यहाँ पर एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन माने टाँड से लेके दोन तीन, दोन दो और दोन एक। रुकना चाहेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हेलो जी, स्वागत है आपका। धान के बारे में जानकारी जी, क्या प्रश्न है आपका? मतलब उत्पादन किया जा सकता है कम रेट?
किस तरह से अच्छा उत्पादन करने के लिए झारखंड में जो दोन दो जमीन है या दोन एक है, यहाँ पर संकर जो हाइब्रिड धान का खेती काफी सफलतापूर्वक से पिछले 12-13 वर्षों में हो रहा है और पूरे देश में झारखंड एक ऐसा राज्य है जो संकर धान की खेती करके सबसे ज्यादा लाभ पाया है। तो उसमें जो बिचड़ा तैयार करते हैं संकर धान का उसमें जो है कि 6 केजी एक एकड़ के लिए बीज जो है पर्याप्त होता है और 15 केजी एक हेक्टेयर के लिए। तो बिचड़ा और बीज जहां भी है, चाहे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या कोई भी बहुराष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो भी बीज की कंपनी है, कोई अच्छा जिसका बीज गुणवत्ता वाला है वही हाइब्रिड जो है कि बीज का जो है उपयोग करेंगे और उसमें खाद और उर्वरक का संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे, क्योंकि संकर धान है उसको आवश्यकता और जो धान की प्रजातियां अधिक उपज देने वाली हैं उससे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है करीब 100 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास अगर प्रति हेक्टेयर या 40 किलो नाइट्रोजन और 24 किलो फास्फोरस और 24 किलो पोटास प्रति एकड़ अगर किसान अगर हाइब्रिड धान की खेती में लगाएंगे तो उनका उत्पादन प्रति एकड़ 40 कुंटल भी हो सकता है और प्रति हेक्टेयर 100 कुंटल तक हो सकता है। और यही एक कारण है कि पिछले 10 वर्षों में धान का उत्पादन झारखंड राज्य में संकर धान का और संकर धान का खेती श्री विधि से, हमारे किसान भाई जानते होंगे पिछले 10 साल से यहाँ पर श्री विधि से धान की खेती का प्रचार प्रसार कृषि विभाग और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम दोनों से चल रहा है। तो हमारे समझ से अगर संकर धान जो हाइब्रिड है और उसका श्री विधि से और खाद उर्वरक का जो संतुलित मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रति एकड़ 40 कुंटल और प्रति हेक्टेयर 100 कुंटल तक उत्पादन हो सकता है। बिल्कुल, अभी आप बता रहे थे कि इस वक्त सावधानियां क्या रखें खेत की तैयारी। सावधानी के लिए है कि देखिए अप्रैल और मई महीना ऐसा होता है कि झारखंड राज्य में 2400 जो जिला है, हर गांव में, हम तो करें यहाँ 34,000 गांव है पूरे राज्य में, एक या दो बार कुछ ऐसी वर्षा होती है कि खेत पूरी तरह भीग जाता है, कहने का मतलब उसका जुताई किया जा सकता है। तो किसान भाइयों को रांची दूरदर्शन के माध्यम से मैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि वो अप्रैल मई में जो भगवान के इंद्र भगवान की तरफ से जो बारिश हो रही है उसका फायदा उठाएं और अपना खेत, चाहे वो टाण हो चाहे दोन, उसको 2-3 गहरी जुताई चाहे ट्रैक्टर के द्वारा या हल बैल के द्वारा अगर कर देंगे तो जो खरीफ के मौसम में वो धान का खेती करेंगे तो उसमें 2-3 बहुत बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं? बिल्कुल, हम यही जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा फायदा है कि खरीफ के मौसम में धान ही नहीं कोई भी फसल का खेती करेंगे तो खर पतवार एक बहुत बड़ी समस्या है और खेती का एक बहुत बड़ी लागत खर पतवार के नियंत्रण में लग जाता है। तो ये अप्रैल मई महीने में जिसमें ग्रीष्म ऋतु की जुताई कहते हैं, अगर किसान भाई अपने खेत की जुताई कर देंगे तो खर पतवार का जो जीवाणु कीटाणु है वो जमीन के ऊपर आ जाएगा और अभी तापमान 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो जो भी खर पतवार के जीवाणु कीटाणु हैं वो जल के समूल नष्ट हो जाते हैं। और जब खरीफ के मौसम में जुलाई अगस्त सितंबर में धान का खेती करेंगे तो खर पतवार की समस्या कम होगी या अगर थोड़ा बहुत होगी भी तो किसान उसको नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरा चीज है कि धान चूंकि खरीफ के मौसम में खेती होता है इसमें रोग और कीड़ों का भी प्रकोप बहुत ज्यादा होता है तो उसके भी जीवाणु कीटाणु जब अक्टूबर में बालियां निकलने लगती हैं तो जो धान के पौधे को जो नुकसान देता है उसके बावजूद उसके जीवाणु कीटाणु मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो अगर अप्रैल मई महीने में किसान भाई अपने जमीन की गहरी जुताई करेंगे तो खर पतवार के साथ रोग और कीड़ों के भी जो जीवाणु कीटाणु जमीन के अंदर चले गए हैं वो भी जमीन के ऊपर आ जाएंगे और अभी चूंकि गर्मी का मौसम है तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है तो जितने भी जीवाणु कीटाणु रोग के हों धान के या कीड़े मकोड़े हैं वो सब जल के नष्ट हो जाते हैं। यानी कि पहली बारिश के बाद एक बार गहरी जुताई जरूर करें और ये भी संदेश देना चाहेंगे केवल धान ही नहीं, चूंकि झारखंड राज्य में मक्का बहुत महत्वपूर्ण फसल है, इसके अलावा अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सरगुजा, कुल्थी, बहुत तरह का खेती करते हैं। तो जो भी किसान भाई अपनी खेती करते हैं खरीफ के मौसम में खर पतवार और कीड़े मकोड़ों से नियंत्रण करने के लिए अप्रैल मई के महीने में जो इंद्र भगवान की तरफ से बारिश होती है उसका फायदा उठाएं और अपने खेत की गहरी जुताई करें, इससे उनका कृषि का लागत भी कम लगेगा चूंकि मजदूरी कम लगेगी खर पतवार को नियंत्रण करने में और रोग और कीड़ों को मारने के लिए भी जो रसायन है उसका प्रयोग कम करना पड़ेगा और आपका उत्पादन तो बढ़ेगा ही, जो उत्पाद होगा उसकी गुणवत्ता भी बहुत अधिक होती है क्योंकि रोग और कीड़े लगने से ही कोई भी उत्पाद चाहे धान हो चाहे कोई भी फसल हो सब्जी हो उसका जो गुणवत्ता है वो काफी
खराब हो जाता है, जिससे बाजार में कीमत उसकी कम मिलती है। तो अगर किसी भी फसल में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे दलहन हो, तेलहन हो, धान ही क्यों ना हो, अगर रोग और कीवाणु से अगर उसको बचा लेंगे किसान, तो उसकी बाजार में जो उत्पाद होगा उसकी गुणवत्ता होगी और कीमत उसकी बाजार में ज्यादा मिलेगी। हम बात करते हैं प्रभेदों की। इस वक्त बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि प्रभेदों के चुनाव में उन्हें काफी समस्या होती है और कई बार अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। तो हम जानना चाहें कि प्रभेद कौन सा अपनाएं और कहां से वो उसे प्राप्त करें। देखिए, हर जो चूंकि बताया कि धान ही एक ऐसा फसल है कि टाँड और दोन तीन, दोन दो, दोन एक, माने हर तरह की मिट्टी जलवायु में झारखंड राज्य में धान की खेती होती है। तो टाँड जमीन में किसान भाई, जिसको गोरा धान कहते हैं हमारे किसान भाई अपने भाषा में, अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या यहाँ सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन हजारीबाग में, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर टाँड जमीन में 70 से 100 दिन में जो धान पक के तैयार होता है ना, उसी की खेती टाँड जमीन में करते हैं। और इसकी गेहूं की तरह अपने जमीन की अच्छी तैयारी करके बिरसा धान 108 हमारे विश्वविद्यालय द्वारा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई, जो केवल 70 से 75 दिन में पक के तैयार हो जाता है। इसके अलावा बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, ये दो प्रजातियां 85 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो कहने का मतलब कि किसान अगर टाँड जमीन में अगर खेती करना चाहते हैं तो बिरसा धान 108, बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110 और बंदना जो हजारीबाग द्वारा विकसित की गई, इन प्रजातियों का खेती कर सकते हैं। रहा सवाल दोन तीन, अब इसके बाद 110 से 115 दिन में जो पक के तैयार होती है, माने थोड़ा अवधि बढ़ गया, और रोपा करते हैं तीन नंबर की जमीन में हमारे झारखंड राज्य के किसान, उसमें हमारे झारखंड राज्य के किसान नवीन एक प्रजाति है या सहभागी है, IR 64 है, ललाट है, इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बिरसा धान 201, बिरसा धान 202, बिरसा विकास सुगंध 1 और बिरसा विकास धान 203, इस तरह की प्रजातियां जो 110 से 115 दिन में पक के तैयार होती हैं, उनका कर सकते हैं। रहा सवाल दोन दो का, उसमें बिरसा मती, देखिए झारखंड राज्य की मिट्टी और जलवायु जो बासमती नहीं लेकिन सुगंधित और लंबे किस्म का धान, जिसका कि पुलाव वगैरह चावल बना के बनाते हैं या खीर वगैरह, उसके लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। और इस क्रम में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने लंबे और दाने और सुगंधित जो बिरसा मती के नाम के जो है कि किस्म निकाली है, और ये 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है और दोन दो जमीन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और 130 से 135 दिन में यह पक के तैयार हो जाता है। ये तो प्रभेदों की बात हो गई, ये प्रभेद जितने आप बता रहे हैं इसे प्राप्त कहां से करें? कई बार ऐसा होता है, ये जितने हमने आपको प्रभेद बताया ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में मुख्यालय है, इसके अलावा इसके तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, एक दुमका में, एक जमशेदपुर और बहरागोड़ा के रोड में दारीसाई एक जगह है, और इसके अलावा जो है कि डाल्टनगंज से 5 किलोमीटर पहले चियाकी है एक जगह, जो हवाई अड्डा है, वहां भी हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा 2400 जिला में 22 जिला में कृषि विज्ञान केंद्र हर जिला के मुख्यालय में है, जिसमें 16 कृषि विज्ञान केंद्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन काम कर रहा है। का मतलब यह है कि अच्छे बीज और प्रमाणिक बीज, प्रमाणिक बीज अच्छे जगह से लें, क्योंकि बीज के नाम पर काफी ठगी होता है और बाजार में बीज के नाम पर किसान भाई हमारे ठगे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो ठगी हो रही है किसानों के साथ, वो संकर जो हाइब्रिड धान है, क्योंकि इसका बाजार में कीमत 250 से 300 रुपया एक किलो का मिलता है, और संकर जो हाइब्रिड धान के जगह पर वो IR 64 या बिरसा मती का जो है कि प्रजाति जो 25-30 रुपया किलो बाजार में बिकता है, उसको जो है किसान भाई दे देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे, एक किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, कृषि आसन में स्वागत है जी, क्या प्रश्न है? मुझे कम समय में, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका, पहले मेरी बात सुनिएगा, मेरा नाम रवि सोनी है। हाँ, जी बोलिए जी। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे कम जगह में मुझे खेती करना है। अच्छा, तो मैं आपसे आपको कह रहा हूँ, अच्छा, कम जगह में कम खेती करना है, थोड़ी मुझे आप जानकारी दीजिए। कम जगह पर खेती, कम जमीन है आपका खेती, तो हम तो आपको सलाह देंगे कि आप सब्जी का खेती करिए, धान का खेती नहीं करिए, क्योंकि अगर कम जमीन है और खास करके जहां आपका घर, जिसको बारी बारी खेत बोलते हैं, जहां आपका घर रहता है उसी के अगल बगल थोड़ा सा खेत है, तो उसमें झारखंड राज्य में सब्जी की खेती बहुत अच्छी होती है, और सब्जी के ही मामले में झारखंड राज्य आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी यहां की सब्जी जाती है, क्योंकि आप सीजन में यहां पर गर्मी के अभी अप्रैल मई महीने में भी फूल गोभी, पात गोभी, मूली, गाजर, धनिया, हरा मिर्च सब मिलता है। तो यहां की मिट्टी जलवायु जो है सब्जी की खेती
खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जो भी किसान के पास जमीन कम है वो अपने जमीन का उपयोग सब्जी का खेती या फल का खेती या फूल का खेती करके, क्योंकि सब्जी फल और फूल के लिए झारखंड की मिट्टी और जलवायु बहुत ही उपयुक्त है, और कम जमीन में ज्यादा पैदा करके आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं सब्जी का खेती करके, फूल का खेती करके, और फल का चाहे आम का, पपीता का, केला का, जो भी खेती करके आप ज्यादा पैसा पा सकते हैं। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। हेलो, मेरा यह प्रश्न है जी, है कि मुझे पानी उपलब्ध नहीं है, तो कम पानी में मैं धान की कृषि कैसे करूं? अच्छा, कम पानी में धान, कम पानी में धान की खेती की एक नई तकनीक हम लोगों ने विकसित किया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, कि धान की खेती गेहूं की तरह करें। किसान भाई मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, जैसे गेहूं का खेती में क्या करते हैं कि खेत को तैयार करके और हल के पीछे बीज और खाद जो है डाल के और इसके बाद मिट्टी को जो है कि मिला देते हैं, ठीक इसी तरह माने तो रोपा नहीं करना है, क्योंकि धान के रोपा में ज्यादा पानी की जरूरत है। अगर धान की खेती गेहूं की तरह करेंगे माने खेत तैयार करके हल के पीछे बीज जैसे गेहूं का गिराते हैं वैसे धान का बीज गिराएं, और खाद जो तीनों संतुलित मात्रा में यूरिया और डीएपी और इसके अलावा पोटास, तीनों खाद को मिला के अगर लगा देंगे तो आपको कम पानी में गेहूं की तरह धान का खेती करके, और उत्पादन मुश्किल से 10% कम होता है, और अगर प्रबंधन बेहतर तरीके से किया गया तो रोपा से किसी मामले में जो सीधी बुआई गेहूं की तरह धान की खेती करते हैं उसका उत्पादन कम नहीं होता है। इसमें खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है, तो उसके लिए हमारी जो खरपतवार नाशी एक दवा है जिसका उपयोग करेंगे किसान भाई, तो खरपतवार की समस्या उसका नष्ट हो जाएगा, और किसान भाई जैसे रोपा से ज्यादा उत्पादन करते हैं उसी तरह धान की खेती गेहूं की तरह करके, जिसको हम वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एरोबिक राइस कल्टीवेशन कहते हैं, माने कल्टीवेशन ऑफ राइस लाइक व्हीट, गेहूं की तरह धान की खेती करना, रोपा नहीं करना है, सीधी बुआई करना है हल के पीछे। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसी क्रम में हम श्री विधि के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लें। श्री विधि से जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं, जो बीज उत्पादन करना चाहते हैं, इस वक्त जो किसान भाई सोच रहे हैं वो क्या करें? देखिए, श्री विधि से पिछले 10 सालों से प्रयोग हुआ झारखंड राज्य में, विश्वविद्यालय बिरसा कृषि ने किया और भी जो कृषि से संस्थान जुड़े हुए हैं उन्होंने किया, और किसानों के प्रक्षेत्र पर जो दोन दो और दोन एक या दोन तीन भी जमीन है इसमें काफी इसका अच्छा जो है कि रिजल्ट रहा है, और आम जो परंपरागत धान की खेती है उसके तुलना में 25-30% ज्यादा उत्पादन होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बीज दर काफी कम लगता है, आमतौर पर परंपरागत तरीके से 16 किलो एक एकड़ में बीज लगता है, लेकिन श्री विधि से खेती करेंगे तो 2 किलो एक एकड़, बताइए कितना बीज दर कम हो गया, 8 गुना कम हो गया, कहां 16 किलो प्रति एकड़ लग रहा इसमें 2 किलो। उसका कारण है कि इसका जो रोपा करते हैं स्क्वायर वर्गाकार करते हैं, इसमें पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर माने 10 इंच, और पंक्ति से पंक्ति दूरी भी 25 सेंटीमीटर 10 इंच, वर्गाकार जो है कि पौधा जो है कि लगाते हैं और एक जगह पर एक ही बिचड़ा लेते हैं। हेलो 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 यस सर, बोलिए जी, स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है? राहुल सर बोल रहे हैं सर। हेलो, बोल रहे हैं ना जी? धान में कीड़ा मकोड़ा लग जा रहा है। अच्छा, तो इसकी जानकारी थोड़ा बता दीजिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, धान में कीड़े मकोड़े, धान में जो कीड़े मकोड़े, देखिए तो चना तना छेदक लगता है, आप देखते होंगे कि जब बालियां निकलती हैं उसी समय बिल्कुल पीला होता जाता है उसका जो है कि पौधा या पत्ती जिसको बोलते हैं, अगर हाथ से पकड़ेंगे अपने खेत में तो आपके हाथ में आ जाएगा, आपको खींचना नहीं पड़ेगा, तो वो तना छेदक है, और इसका नियंत्रण करने के लिए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लगातार अनुसंधान करके एक रसायन कीटनाशी दवा का जो है खोज किया है जिसको कि इंडोसल्फान कहते हैं, और जब बालियां निकलने से पहले इस इंडोसल्फान का 2 ml दवा 1 लीटर पानी में अगर घोल करके अपने खेत में
शाम के टाइम 4 बजे अगर इसका उपचार करेंगे तो ये तना छेदक है इसका प्रकोप जो है और इसको नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा गंधी बग एक जो है कि कीड़ा लगता है जो जब उसमें दाना बनने लगता है, मिल्किंग स्टेज हम वैज्ञानिक उसको कहते हैं, चावल बनने की प्रक्रिया जो है धान के बाद जब चावल बनता है तो गंधी बग का भी इसमें काफी प्रकोप होता है और इसको नियंत्रण करने के लिए मोनोक्रोटोफास एक रसायन है, कीटनाशी दवा है, इसका 1 ml 1 लीटर दवा में अगर किसान भाई अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो ये स्टेम बोरेर जो है तना छेदक इंडोसल्फान दवा 2 ml प्रति लीटर जो है कि पानी में डालकर अगर उपयोग करेंगे तो ये निश्चित रूप से फायदा। बिल्कुल किसान भाइयों, आपकी खेती अच्छी हो, आप समृद्ध हो, सुखी हो, संपन्न हो, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत मेरे तरफ से भी जोहार। झारखंड राज्य के सभी किसान भाइयों को कि 2014-15 उनके लिए काफी अच्छा हो और उनका खेत जो है धान से जो है लहलहा कर और ज्यादा उत्पादन करे। धन्यवाद।